आज प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन उद्यापनी दिवस एवं शेष दिन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होती ये देखिपे शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय दृश्य जो पहुंची 5G अध्यक्ष भिके पांडियन आपड़ देखिपार सीधा सख दृश्य सोआर कैंपस भितर एवं ये उद्यापनी जो रही कार्यक्रम नहीं विभिन्न जगह जो कार्यक्रम हो सोआर स्वतंत्र कार्यक्रम अनुषित हो देखिपार प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन उपलक्षे सोआरे अनुषित कार्यक्रम में पहुंचती 5G अध्यक्ष भिके पांडियन ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विमर्श ये नहीं कि चर्चा धरिकी दुई दिन धरिकी ये कार्यक्रम अनुषित हो सो ऑडिटोरियम कैंपस टू रे ये कार्यक्रम अनुषित होश्य देखुंती ये नहीं कि उद्यापनी समारोह पहुंची 5G अध्यक्ष भिके पांडियन स्वागत करके गवेषक वर्तमान मु 5G अध्यक्ष तथा नवीन ओडिशार अध्यक्ष श्रीयुक्त कार्तिक पांड्यान महोदय एवं विश्वविद्यालय सभापति प्रोफेसर मनोज रंजन नायक महोदय को मंच पर को आमंत्रण करुछि प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम पर समस्त टिके वर्तमान प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम जारी रही आमर आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य अर्पण करी प्रदीप प्रज्वलन कले 5G तथा नवीन ओडिशार मान्यवर अध्यक्ष श्रीयुक्त कार्तिक पांड्यान महोदय बंद कर दियंतु सार ऊपर गले ऑन करिवे वर्तमान प्राचीन सोआ र मुख्य डॉक्टर गायत्री बाला पंडा महोदय को मु मंच पर को आमंत्रण करुछि स्वागत भाषण प्रदान करिबा पाई प्रिय सुधीवृंद समस्त को मोर प्रणाम गत 3 तारीखर ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन परिप्रेक्षी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय परिसर में ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विमर्श विषय सम्पन्न अनुष्ठित होई आम भाषा और साहित्यर विश्वायन यह ओडिशा सरकार एक अभिनव परियोजना आज तार उद्यापन दिवस आज आम मानी एक स्वतंत्र दिन कारण आज आम गहन में उपस्थित अच्छा ओडिशा रूपातरण विंधानी तथा 5G और नवीन ओडिशार अध्यक्ष माननीय श्रीयुक्त कार्तिक पांड्यान महोदय मुझे प्रणाम जनाऊँ सोआ परिवार अत्यंत आनंदर मुहूर्त पांड्यान सारचय देवा मो पक्ष धृष्टता हे आम जानू रूपातरण जत माइल पर माइल अतिक्रम कर
प्रति क्षेत्र में उत्कर्षतार उदाहरण पलटिता ओडिशा आज समग्र विश्वर दृष्टि आकर्षण करूपातरण मंग धरी श्रीजुक्त कार्तिक पांड्यान सार मात्र गत काली अनन्य व्यक्तित्वर आउ गोटे भिन्न दिग समग्र ओडिशा देखिला और आचंबित हला। से एक चमत्कार कविता पढ़ी समस्त को मंत्रमुग्ध कला बेले जो कथाटी मते और मो पी साढ़े चार कोटी ओडिया को छुईला आलोड़ित कला आंदोलित कला ताहा हेउची प्रत्येक मनीष जने कवि कविता आम जीवन एक अंश सार गोटे छोट वाक्य गुरुत्वपूर्ण कथा कहिले से गोटे धाड़ी पांडियान सारंग सर्जनशीलतार उदारतार महानतार पुणी थरे परिचय देला मो परि प्रति ओडिया को भावविह्वल कला। कवितार प्रत्येक शब्द जमी शक्तिशाली थिला से हीपरी हृदय स्पर्शी जो लोक समस्या अनुभव करे से ही स्वप्न देखे एवं जने साधक स्वप्न पूरण पर काम करे और कर्मी पलटि जाए। पांडियान सार ओडिशार समस्या को खूब गभीर भाव अनुशीलन करुभव कर राजनीति ऊर्ध्व को उठी नुआ ओडिशार तैयारी स्वप्न देखी नुआ ओडिशा गठन कर्मी साजिंट दिनराती ओडिशा पर अक्लांत परिश्रम करुवा निरवच्छिन्न निष्ठार सह कार्य कर जड़े व्यक्ति भितर यही दरदी हृदय ही साढ़े चार कोटी ओडिया विश्वास मंत्र पलटि गर्व और गौरवर कारण साजिश सार अंतर्निहित सृजनशीलता दूरदृष्टि जो वैषयिक ज्ञानकौशल प्रयोग कर स्वच्छतार सह गोष्ठीगत कार्य कर धार्य अवधि मध्य लक्ष्य पूरण तत्परता जो सर्वोपरि ओडिशावासी प्रति भल पाइबा जो मान्यवर मुख्यमंत्री स्वप्नर ओडिशा को वास्तव रूप देवे से सफल होती सक्षम होती सफलता पछरे अच्छी संकल्प अच्छी साहस अच्छी सत् इच्छा एवं अच्छी साधना से पुरीर परिक्रमा प्रकल्प हो लिंगराज मंदिर समलेश्वरी तारातारिणी मंदिर प्रकल्प हो राज्यर स्कूल हस्पिटाल क्रीड़ा क्षेत्र रूपातरण प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष तत्वावधान जारी रही एक जनकेंद्रिक प्रभावी और दुर्नीतिमुक्त शासन देवारे यह प्रमुख भूमिका ग्रहण करिपारिछि तेणु विकास प्रत्येक क्षेत्र में ओडिशा आज उदाहरण पलटि सार को आज आम गहन में पाई आम अत्यंत आनंदित और स्वागत करुछु। आज एठारे आम गहन अच्छा ओडिया उपन्यास सम्राट डॉक्टर विभूति पट्टनायक दीर्घ 60 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी निज लेखनी मुनरे अजस्र क्षुद्र गल्प उपन्यास सृष्टि करिथिबा विभूति पट्टनायक ओडिशार घरे घरे सबुठारु परिचित नाम से जने जीवंत किंबदंती 1960 परवर्ती ओडिशा किशोर ओडिया किशोर मुग्ध दृष्टि रे जे आकाश पिपासा भरी दियंती युवकर प्रीतिप्रवण प्राण रे जे प्रणयर अमृत प्रस्रवण छुटाई दियंती प्रौढ़र समाज और जीवन यात्रा को जे अभिज्ञतार जीवनी जारित कराई दियंती प्रवीणर प्रज्ञा और स्वज्ञा को जे इतिहास दर्शन संस्कृतिर स्पर्श से प्रखर कराई पारती आपणार कथा साहित्यर कलात्मकतार से अभिसंवादित भावे डॉक्टर विभूति पट्टनायक ओडिया पाठकों प्रियतम कथाकार स्वागत करुच्ची और मंच को आमंत्रण करुच्ची एवं शेष में श्रीजुक्त कार्तिक पांड्यान सारंकर कवितार केतोटी धाड़ी सह मोर वक्तव्य शेष करुच्ची श्रेष्ठ कविता कृष्ण कृष्णक कविता जगत जगतर कविता जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आम समस्ते महाप्रभु जगन्नाथ परम भक्त ये विचार आगे जावा महाप्रभु जगन्नाथ को सम्मान जनवाई आहे नीलशैल प्रदर्शन करपर ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित लेखक साहित्यिक तथा आज संबर्धित व्यक्तित्व श्रीजुक्त विभूति पट्टनायक महोदय को संबर्धित करर अभिभाषण शुणला आहे नीलशैल
ଚନ୍ଦନ କୁ କର ଦଳନ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ चिंता कर थाई घोर जले मो चक्र पेशी नक्र नासी उधारे ले अपन आहे नीला सैला धन्यवाद। आज संबर्धित अतिथि श्रीजुक्त विभूति पट्टनायक महोदय को मो मंच पर आमंत्रण करुच्ची। आमर स्टूडेंट वॉलंटियर माने तांको पाछटी आणिबे। ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କରତାଳି ଦେବେ ପିଲାମାନେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ଭାଷଣ, ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ଫାଇଭ୍ ଟି ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଏଠି ଯାହା ଘଟେ, ଯାହା ଚାଲେ, ତାହା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ 2024 ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେବେ ଯେମିତି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ, ଉଜସ୍ୱିନୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିର ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ।
वर्तमान अभिज्ञतार अभिज्ञतार किसी आपण मानक आगे साउंटे विशिष्ट लेखक श्रीयुक्त विभूति पट्टनायक महोदय महोदय को अनुरोध कर प्राचीन अध्यक्षा डॉक्टर गायत्री बाला पंडा एवं आदि मुख्य अतिथि श्रीयुक्त पांडियन एवं समवेत बंधुगण आज मत ये संवर्धना देवाप जो आयोजन होती मुआ विश्वविद्यालय परिचालक कुलपति एवं कर्मचारी समस्त को मोर आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँ आपण मैंने जानते आमर प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वप्न को वास्तवायित करने श्रीयुक्त पांड्या निशर्त भाव कार्य कर जो विश्व ओडिया सम्मेलनी एटी आयोजित होती सी हूँ श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक स्वप्न एवं से स्वप्न को सार्थक करने श्रीयुक्त पांड्या निशर्त भाव उद्यम को जारी रखे मु भाषण देवाप एटिके आसनी मत संवर्धना दि जातु मु खुशी ये जे ओडिया भाषा को गाँ गई स्कूल कॉलेज सबु शिक्षानुष्ठान यूनिवर्सिटी सबुठ ये तीन चार दिन धरी ओडिया भाषा पे एक विपुल सचेतनता सृष्टि एवं ये सचेतनता को प्रकृत जदि आम रूपातरित करने को चाहूँ ओडिया भाषार समृद्धि पे मु श्रीयुक्त पांड्यान को अनुरोध करी जे ये ओडिया भाषार रूपातरीकरण ये प्रथम पर्व आपको आग को नवाक ओडिशार चारिकोटी लोक जो मैंने ओडियार मानक भाषा को खूब बेसी हेले गोटे लोक से भाषा लेखती पढ़ती कथा कहती बाकी तीन कोटी लोक से भितर जनजातिर लोक अच्छा दलित संप्रदायर लोक अच्छा अन्य अंचल लोक अच्छा जो मैंने ये मानक ओडिया भाषा को एपर्त निजर भाषा भाव में ग्रहण करना आमको उद्यम करवाक जे सांताली भाषा ठू आरंभ करी पश्चिम ओडिशार भाषा उत्तर ओडिशार भाषा दक्षिण ओडिशार भाषा तांकर जो आंचलिक भाषा अच्छी विशेषकर पुरी भाषा पुरी जगन्नाथ को केन्द्र कर जो पुरी अंचल जो भाषा गढ़ी उठी से सबुत्र शब्द राशि नहीं आम यह एक शब्द भंडार तैयारी करवा एवं जहाँ विनियोग ओडिशार लेखक लेखिका कवि औपन्यासिक नाट्यकार समस्ते से ही भाषा लिखिले से समग्र ओडिशार लोक मान भाषा भाव में परिगणित हो मोर भाषण दीर्घ करने को चाहे ना मुझे उत्कंठित श्रीयुक्त पांड्यन का भाषण शुणाप आपण मैने मत कह सुजोग हेतु विभूति पट्टनायक माननीयु सन्मानास्पदेशु महाभाग सर्जन भूमि रे केते ठाणी रे स्पष्ट और स्वतंत्र आपणकर पदचिह्न कथा स्तंभ फीचर प्रबंध और साहित्य समालोचना संख्यार विपुल प्राय अर्ध शताधिक आपणक विशेष परिचय कथाकारिता समाज व्यवस्था और काल प्रवाह द्वंद्वात्मक व्यक्ति जीवन रे आनंद अवसाद और सपन को आपण एत सूतर से शब्दायन करदिंती जे पाठक निरंतर आपण अनुभव स्तर में समाहित हुए से जेपरी विभूति पट्टनायक अन्यतम रूपातर तार बयस और मेधार अहंकार अर्थहीन हो जाए ताहा जो प्ररूपर अक्षर कर्म हो
अभिव्यक्ति रे स्पष्टता आपणक अहंकार और अलंकार तेणु आपण पाठक प्रिय एवं ओडिया कथा साहित्यर इतिहास रे सदा वर्तमान जादूकर विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन पालन अवसर रे शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय आपणक शब्दबोध और भावबोध को सम्मान जनाउछि प्रोफेसर डॉक्टर मनोज रंजन नायक प्रतिष्ठाता सोआ श्रीयुक्त विभूति पट्टनायक महोदय को विश्वविद्यालय तरफ 1,00,000 टंकार राशि प्रदान उपढ़ौकन मानपत्र आहरी अनेक किसी श्रद्धा और शुभेच्छा वर्तमान